शिकारपुर गड़िया सिंह गोलोदड़ वाले इलाके में कई सालों से मारफानी और कमरानी तकरार में 150 से ज्यादा जाने ज़ाया हो चुकी हैं। तकरार के खात्मे के लिए जीएसएन माद के चेयरमैन रियाज चांडियो, दरगाह बुढ़ल फकीर के गादी नशीन साईं सनाउल्ला मस्त, वजीर हुसैन जतोई, रवादारी तहरीक पाकिस्तान के सदर सैमसन सलामत, दीदार मीरानी, पुनल सारे, मकसूद मीरानी, असदुल्ला सुमरो, रियाज जतोई, रहीम बख्श लाड़क, नायाब सरकस जायद नून, दिलशेर मजीद मीरानी, सईद सुमरो, ताज शेख, सोशल वर्कर गुलाम हुसैन जतोई, सोबदार खान चांडियो, खवातीन और कलाम पाक साथ लेकर कम्बरानी और मारफानी बिरादरी के नेक मर्द देवल कम्बरानी और हाजी नवाज मारफानी के को खून की होली बंद करने की अपील की गई, जबकि दोनों तरफों से मिन्नत समाजत के काफिले को भरपूर तावन की यकीन दहानी दिलवाई और फैसले पर रजामंद हो गए। इस मौके पर देवल कम्बरानी ने बताया कि मारफानी बिरादरी के 250 जरेब ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं और अपनी ही आदमी भेज कर हमारी चोरियाँ करवाते हैं और मारफानी बिरादरी से कई बार फैसला भी हो चुका है जिन पर मारफानी बिरादरी वाले अमल नहीं करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम फैसले पर राजी हैं मगर इन शर्त पर फैसला करेंगे कि जमानत के तौर पर रुकन कौमी असम्बली अलहाज सरदार गोश बख्श खान मर और सरदार मीर मंजूर खान पंवर होंगे और दोबारा चोरी नहीं करेंगे और हमारी छीनी हुई ज़मीन वापस करेंगे, फिर हम फैसले पर रजामंद होंगे। जिनके बाद मिन्नत समाजत का काफिला गांव सालार और मारफानी बिरादरी के नेकबर नवाज मारफानी और दीगर मौजूदीन पर पहुंचा तो मौजूदीन ने काफिले को खुश आमदीद किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद नवाज मारफानी ने कहा कि कम्बरानी बिरादरी से चांडिया, खोसा, बखरानी, ईसाई नी व दीगर कबाइल के लोग साथ दे रहे हैं और कम्बरानी बिरादरी ने पहले भी फैसले की खिलाफ वर्जी की है और खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। फैसले तो किए जा रहे हैं मगर अमल दरामद नहीं हो रहा है जिनकी वजह से तकरार दोबारा शुरू होता है। फैसला वो होना चाहिए जिनमें अमन अमान और मोहब्बत की फिजा पैदा हो सके और नफरतें हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। इस मौके पर रवादारी तहरीक पाकिस्तान के सदर सैमसन सलामत, जीएसएन महा चेयरमैन रियाज चांडियो, पुनल सारो, दीदार मीरानी, अरसलान सीरो ने शाह अब्दुल लतीफ़ का रसाला और कलाम पाक का वास्ता देते हुए खून की होली बंद करने की अपील की और कहा कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ और इलाके को अमन का गहवारा बनाओ क्योंकि कबायली झगड़ों में अमन तबाह हो रहा है, कुछ कुव्वतें अमन अमान बिगड़ने में राजी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि झगड़े नस्लें तबाह करती हैं और नौजवान तालीम के बदले में मजबूर हथियार उठाते हैं जो कि सिंधी कौम का नुकसान होता है। हमको चाहिए कि नफरतें ख़त्म करें। इस मौके पर जुबैदा कमल, हमीर चांडियो, नायाब सरकस व दीगर मिन्नत समाजत काफिले में मौजूद थे। कैमरा मैन बिलाल समी भुट्टो के साथ अब्दुल समी भुट्टो, शाइन न्यूज सिटी, शिकारपुर। खुशहाली रात मुदब्बर इमाम सैयदना अली अलैहि सलाम जे विलादत जो दी जो खाने काबा में जो जन्म थो उनके इंसानी तारीख जो मुदब्बर आलिम तो चवां उनके को मानू केड़ो नालो दे पर इंसानी तारीख जो वो मुदब्बर आलिम हर लिहाज सा साफी कलमकार जे तां जे मासूम बच्चन जा फोटू छाया कंदा हन जेके रत पत थिया हुंदा हन सजी सिंध उन्हनि ते रोअंदी आहे। रुगो तां जे घर में तॾो नाहे विछाइबो पर पुट मरंदा आहिनि त असां सभु रोअंदा आहियूं। हीअ अख़बारी नुमाईंदा जेके हिते सभु साञामंद वठी आया आहियूं, हीअ ख़बर कल्ह खां वठी सॼी सिंध में गर्दिश कर